भाई आज अपना लास्ट लेक्चर है फॉर जॉइंट वेंचर, दिस इज द सेकंड पार्ट। हम लोग ने अच्छा खासा जॉइंट वेंचर पढ़ लिया है आपके। मैं जॉइंट वेंचर के लिए मैं बोल चुका हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 4 मार्क्स का जॉइंट वेंचर आ सकता है। ज़्यादा परेशान मत होइएगा जॉइंट वेंचर जितना समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने जितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट हैं रादर देन दीज। आप इनमें उतना परेशान मत होइएगा, जो सिंपल लॉजिकल जितनी चीज़ें बताइए वो याद रखोगे तो भी आप आराम से इसका क्वेश्चन कर सकते हो। आ जाता है अपना लास्ट पॉइंट कि भाई फर्स्ट वाले में क्या था कि हमने तीनों अकाउंट मेंटेन रखे हुए थे, कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली अकाउंटिंग में मैंने तीनों अकाउंट बना रखे हुए थे। फिर जो लास्ट वाली अकाउंटिंग करी थी उसमें जॉइंट बैंक अकाउंट गायब हो चुका था, सिर्फ जॉइंट वेंचर और को वेंचर, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी बुक में खाता बन रहा है जिस बंदे का उसका नाम आता था। मतलब अगर एक्स बुक्स मेंटेन कर रहा है तो भाई एक्स का नाम से नहीं बनेगा, एक वाई, एक्स और वाई दो हैं और एक्स की बुक में काम चल रहा, तो वाई का सिर्फ को वेंचर अकाउंट खुलेगा, बाकी सारे ट्रीटमेंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में होगा क्योंकि किताबें एक्स की खोल रखी हैं, एक्स अपने प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर कर लेगा। आ जाता है लास्ट पॉइंट, इस केस में क्या होता है कि हर को वेंचर अपने खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ, और जब भी हम लोग पेमेंट की बात करते हैं बाकी सारे ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं सर कि हम एक अकाउंट बना लेते हैं जिसको हम प्यार से कहते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं आपको फिर से बता दूं, मेमोरेंडम अकाउंट एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है, वो जस्ट कैलकुलेशन पर्पज से बनाया जाता है जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप में देख चुके हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी मेमोरेंडम बनाया जाएगा, भाई जो नॉर्मल एंट्रियाँ रिकॉर्ड होनी होंगी वो होंगी एक पर्टिकुलर खाते में जो उस बंदे का अकाउंट है। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ए बी दो वेंचर्स हैं तो भाई ए अपनी बुक्स में जितने खाली उसके ट्रांजैक्शन होंगे वो रिकॉर्ड करेगा, बी अपनी बुक्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा जो बी के होंगे, बाकी फाइनली जब एक बात आएगी पेमेंट की तो हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और नेट ऑफ में जितनी पेमेंट होगी वो कर लेंगे और फिर इसके हिसाब से ही जो जो एंट्रिया नेट पेमेंट की बननी चाहिए वो हम अपने हिसाब से बना लेंगे। और इसका फीचर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, वही प्रॉफिट एंड लॉस का। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पेज नंबर 6.94 पे इस चीज़ की दे रखी है, आप आराम से सुकून से इसको पढ़ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो में भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ जिससे आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर CA ऑल्सो और बाकी किसी भी टॉपिक में अगर है तो ये हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत ईजिली आप अंडरस्टैंडेबल करते हैं। ठीक है, तो भाई एक बार जल्दी जल्दी रीडिंग कर लेते हैं। समटाइम वेंचर फाइंड इट्स वेस्टफुल टू कीप फुल रिकॉर्ड, ठीक है, ये कभी ना कहीं उसको वेस्टफुल लगता है कि मैं सारे रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन करूँ। रादर देन वो क्या करता है, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है ओन ट्रांजेक्शंस। फॉर द पर्पज इट इज नेसेसरी टू ओपन अ जॉइंट वेंचर विद अ को वेंचर अकाउंट। वो क्या करता है, एक जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट खोलता है जिसमें वो सभी एक्सपेंसेस जो इनकर होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, चाहे वो मटेरियल सेंट हो, ये सब डेबिट होंगे। आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर। अब इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस का नेचर क्या होता है। नाउ जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न होगा इज टू बी डेबिटेड विद दिस अकाउंट व्हाइल द लॉस सस्टेनेबल इज क्रिएटेड विद द अकाउंट। डोंट गेट कंफ्यूज, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाके अब वहां पे क्रेडिट होगा। यहां इस खाते में तो अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट ही करेंगे ना, उस खाते में जाके ये क्रेडिट होगा जब भी प्रॉफिट लॉस खाते में ट्रांसफर होगा पोस्टिंग करते टाइम, ये पीछे आप लगा चुके हैं। अब आ जाता है भाई एक एंट्री जल्दी से, अगर वैसे मैं बताना चाहूँ तो मैं कह दूं कि भाई मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा जॉइंट वेंचर अकाउंट है डेबिट टू जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो देखा जाए तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में तो प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में ही आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जॉइंट वेंचर क्रेडिट साइड में आएगा एज ए इनकम, इसलिए मैंने किया था। तो यहाँ पे यही इन्होंने बोल रखा हुआ कि जो भी आपका प्रॉफिट अर्न होगा वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ को वेंचर में, और अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। अब कोई भी जो रिसीट होगी वो उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और कोई भी अगर पेमेंट होगी तो वो उस अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। एंट्रीज आती हैं आपको, ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो भी पेमेंट होगी वो डेबिट होगी, अभी एंट्री आगे बता भी दी जाएंगी उस चीज़ की। हाउएवर जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होता है तो मैं मजबूरी में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे इसमें, सब कुछ कॉस्ट ऑफ गुड सेल, एक्सपेंसेस, डेबिट, क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ आता है और अल्टीमेटली जो भी आपका प्रॉफिट होता है इसमें, ठीक है, वो सारा का सारा प्रॉफिट आपका रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं आपका मेन पॉइंट पे, दिस इज अकाउंट शोज कि भाई प्रॉफिट जो लॉस जॉइंट वेंचर का होगा वो अल्टीमेटली डायरेक्टली हम रिकॉर्ड करेंगे।
आपको कोई भी जनरल नहीं पास करना है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते समय। ध्यान से नोट कर लीजिए, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने के लिए कोई जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा बनेगा, क्योंकि एक्चुअली वो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन के पर्पज से बनाया, तो यू डोंट हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करता हूँ, जो भी वेंचर होगा अपने खाते में जो भी एंट्रियाँ रिकॉर्ड करेगा, कोई भी वेंचर हो सकता है। मान लेते हैं कि आपने एक्स के साथ ज्वाइंट वेंचर किया, आप मिस्टर वाई हैं, तो आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? यानी आप वाई हैं, आप एक्स के साथ ज्वाइंट वेंचर में, तो आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? मैं वाई की बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? ज्वाइंट, अब अगर मैंने कोई भी मटेरियल या स्टोर सप्लाई किया है अपनी जेब से, तो मैं क्या करूंगा? सर मैंने पहले भी बता दिया, परचेज अकाउंट क्रिएट होता है और जो भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है वो जाएगा। अब सिंपली ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी याद रख सकते हो, डोंट गेट ज्वाइंट वेंचर टू एक्स वाला, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी चलेगा। ओके, परेशान नहीं होना, ये कुछ नया आ गया है, सिंपली ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, सारी वही एंट्रियाँ हैं, कुछ नया नहीं है, बस पर्टिकुलर खाते में जा रही है। अब अगर कोई भी पेमेंट किया उसने एक्सपेंस का, तो भाई बैंक, क्योंकि उसकी खुद की बुक्स हैं, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, जिसकी भी बुक्स होती हैं वो पेमेंट करता है तो उसका बैंक अकाउंट आता है, वो अपने आप को डेबिट या क्रेडिट नहीं करता है, ठीक है, तो बैंक से पेमेंट हो गई। देन अगर कुछ सेल हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कुछ प्रॉफिट हुआ आप एंट्री जानते हैं, कुछ लॉस होगा सेम डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ भी आपका जो फाइनल पेमेंट अल्टीमेटली होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अब एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इंस्टीट्यूट की बुक में ही है, आपको स्ट्रेटली ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसी में से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है का मतलब ये है कि आपको नॉलेज पर्पज से बहुत अच्छा है, ये आपको बेसिक पूरी जो अभी तक आपने चीज़ें सीखी हैं उनको कंपाइल कर देगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्या कहता है? दो फ्रेंड हैं समर और समर्थ, ठीक है, सम्राट, ओके, समर और सम्राट दो लोग हैं, इन्होंने अंडरटेक किया एक ज्वाइंट वेंचर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है एंड सेलिंग का। अब क्या कह रहे हैं, समर विल परमानेंट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, समर मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करेगा और सम्राट सेलिंग के और प्रॉफिट, सेलिंग के खर्चे हैंडल करेगा, और प्रॉफिट होगा आपका 60:40 के रेशियो में, यानी 60% और 40% आपका प्रॉफिट होगा। अब देखिए इन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक क्वेश्चन बना रखा हुआ, क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं हमारे जो समर्थ बबुआ हैं, ठीक है, समर जी, उन्होंने क्या, क्योंकि समर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग की है, तो उसने कुछ मटेरियल सप्लाई किया और कुछ वेजेस सप्लाई करी, समर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन के बिगनिंग में बता दिया गया है। नाउ सम्राट की सेलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भैया उसने 2400 रुपये सेलिंग में खर्चा किया, वेजेस 5000, रेवेन्यू 26000। तो अब जरा बात करते हैं कि कौन कौन अपनी बुक में क्या क्या रिकॉर्ड करेगा। तो स्टेप वन अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले मैं किसकी बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने चल रहा हूं, मैं समर की बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो समर स्वार्थी आदमी सिर्फ अपने किताबों में एंट्री, अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। अभी तक हम लोग इस एंट्री के लिए भी पीछे पड़ते थे, अब क्या, जो जिसकी एंट्री वो अपने खाते में रिकॉर्ड करे, बाद में मेमोरेंडम अकाउंट निकाल के बैलेंस आ जाएगा। तो भाई एंट्री क्या होने वाली है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद, मैंने क्या बोला था, जिसके साथ आप अकाउंट बना रहे हो, सम्राट अकाउंट, ठीक है, डेबिट। अब कुछ भी होगा तो डेबिट वही होगा, और टू परचेज, ये अलग अलग एंट्री है। अगर आपको ध्यान, अगर आप अपने ऐसे कोई भी मटेरियल सप्लाई करते हो तो परचेज अकाउंट जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो भी मटेरियल समर ने अपने 3200 रुपये का जो भी मटेरियल था उसको इसने अपने खाते में ट्रांसफर किया यहाँ पे, तो भाई क्या हुआ, ज्वाइंट वेंचर टोटल अमाउंट से परचेज 3200 रुपये से, और कैश जो उसने वेजेस पे करनी 4000, इसके खाते में ज्वाइंट वेंचर एक डेबिट बैलेंस पे शो कर रहा है, मतलब ज्वाइंट वेंचर को इसे 7200 रुपये देने हैं, मतलब इसे नहीं देने, ज्वाइंट वेंचर इसको 7200 देगा, ठीक है, आया हमने, मतलब मैंने उसको डेबिट में रख दिया। सिंपल, बहुत बेसिक सी एंट्री है वो, डोंट गेट स्टक इनटू दिस कि भाई क्या हुआ कि आपको कोई भी था तो मैं ज्वाइंट वेंचर में सारी एंट्री ट्रांसफर करी, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, तो भाई मैंने क्या किया, परचेज की जो एंट्री थी वो ज्वाइंट वेंचर की उठा के उसमें ट्रांसफर कर दी, और जो पेमेंट किया वो कैश में। आप चाहें तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, एंट्री अलग अलग नहीं, ज्वाइंट वेंचर टू परचेज करें, देन ज्वाइंट वेंचर टू कैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद लाइक वाइज अगर मैं देखूँ, सम्राट ने भी क्या किया था, सेलिंग एक्सपेंसेस वेजेस और रेवेन्यू का, ये सारा एक साथ रिकॉर्ड हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के साथ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के साथ। लेकिन क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, भाई मैंने सेल करी है, तो अल्टीमेटली आप चाहें तो अलग अलग अकाउंट दिखा सकते हैं, इन्होंने कंबाइंडली दिखा हुआ, कंबाइंडली ईजी पड़ता है, क्यों इतना परेशान होना भाई, कैश अकाउंट डेबिट 26000 रुपये, ठीक है, इतने की तो सेल हुई है, अभी अपने ऊपर लिख के लिखे हैं, देन जितने सेलिंग एक्सपेंसेस थे वो क्रेडिट होंगे, कैश क्रेडिट होगा, और फाइनली ज्वाइंट वेंचर का जो रिमेनिंग बैलेंस 18600 रुपये, ठीक है। आप चाहें तो ज्वाइंट वेंचर सीधी सीधी एंट्री किया, मतलब मैं बोलूं अगर मैं अलग अलग एंट्री करना चाहूं तो मैं कैश अकाउंट टू ज्वाइंट वेंचर अमाउंट होगा 26000 रुपये से करूंगा, फिर अब क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर 26000 रुपये से क्रेडिट में चला जाएगा, देन ये जो दो एंट्रियाँ इनको मैं अलग अलग करूँ, इन दोनों खातों में क्या होगा, अब अगर मैं कहूँ तो भाई ये खर्चे तो सेलिंग के ही हैं, ठीक है, लेकिन खर्चे सेलिंग की होने की वजह से क्या हुआ, एंट्री तो मेरे को ज्वाइंट वेंचर के नाम से करनी पड़ेगी इसमें,
तो क्या हो जाएगा, एंट्री ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से 2400 रुपए की ज्वाइंट वेंचर डेबिट हो जाएगा। ये खाता तो क्रेडिट ही होगा, ज्वाइंट वेंचर ही डेबिट होगा इसके अगेंस्ट में। और सेम यहाँ वेजेस में 5000 रुपए से ये अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं बात करूं तो अगर मैं क्रेडिट बैलेंस देखता हूँ तो क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा भाई, तो डेबिट डेबिट माइनस हटा दीजिए इसमें से, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18600 क्रेडिट में। तो इन्होंने नेट ऑफ करके वही लिख रखा हुआ है, कैश सेल्स इधर 26000 की दिखा दी और ये और बाकी नेट बैलेंस में इसको दिखा दिया, कोई ऐसा नया नहीं है। अब बेटा बात करते हैं कि ये तो सब कुछ ठीक चल रहा था पर ईयर एंड हुआ, बात क्या हुई, अब मेरे को चाहिए पैसा। मैंने कहा ज्वाइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट बनाओ और जितने एडजस्टमेंट होते हैं दो, कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने खर्चे किए हैं, जितने भी खर्चे किए हैं ज्वाइंट वेंचर में, वो सब डेबिट साइड में आ जाएंगे। खर्चे खर्चे समझ में आ गए ना, डेबिट साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर है। तो भाई 3200 का सब समर ने, 4000 रुपए के समर ने वेजेस पे किए, सम्राट ने 5000 रुपए के वेजेस पे किए, सेलिंग एक्सपेंसेस 2400 रुपए के सम्राट ने पे किए, और सेल प्रोसीड 26000 रुपए की। नेट बैलेंस कितना आ गया, 11400 रुपए का। उसको मैंने 60:40 के रेशियो में बांट दिया, अमाउंट केम टू 68,40 एंड 4,560। ओके, अब देखिए क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो क्विकली करा रहा हूँ, ऐसे ही देख के डायरेक्टली, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा लिखने के लिए आपका भी टाइम वेस्टेज है, क्वेश्चन में आप नोटिंग करेंगे, लेकिन अब आप क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो बैठ के। मैं सारे क्वेश्चन इसीलिए हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट की उतनी दिक्कत ना आए। अब बेटा क्या होगा, अपने को सिर्फ मेन एंट्री कौन सी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, प्रॉफिट की एंट्री। ये मेरे लिए मेन है, याद है मेमोरेंडम हम लोग बनाते थे तो मेन अपने लिए प्रॉफिट ही होता था, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट मेन है। तो बेटा समर और सम्राट अपनी किताबों में प्रॉफिट दिखा देंगे कि ज्वाइंट वेंचर से अपने को इतना प्रॉफिट हुआ, इधर से अपने को इतना प्रॉफिट हुआ, दोनों की किताबों में अलग अलग एंट्री दिखा दीजिए, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम हो रही है। अब अगर मैं बात करूं तो मेन चीज है मेरे को रिकनसाइल करना है ज्वाइंट वेंचर कंट्रोल अकाउंट या ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो मैंने बना रखा हो उसको मुझे रिकनसाइल करना है कि अल्टीमेटली किसका पेबल बन रहा है किसका रिसीवेबल। क्योंकि याद है हम लोग जो अकाउंट बनाते थे उसमें एंड में बैंक अकाउंट होता था, जो भी होता था हम लोग ये क्या करते थे उसमें ये देखते थे कि एक्चुअली बी का या ए का जो भी बंदा हमारा वेंचर उसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका कितना अमाउंट ड्यू बनता है। अब बेटा क्या करो, कुछ नहीं करना, जिसने जिसने जितने खर्चे किए हैं वो पहले लिख लो। भाई अगर मैं बात करूं हमारे श्री समर जी की अकाउंटिंग की, समर जी का करता क्या था, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, तो उन्होंने मटेरियल के ऊपर खर्चा किया था, वेजेस के ऊपर खर्चा किया था, वो अमाउंट मैंने लिख दिया। देन उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है कितना, 6840। तो अगर मैं कहूँ तो एक्चुअली ये इतना अमाउंट डिजर्व करते हैं ज्वाइंट वेंचर से कि भाई मैंने इतना इतना पे किया था प्लस इतना प्रॉफिट मेरा बनता है आपसे, तो मैं अल्टीमेटली कहूँ इतना पूरा टोटल अमाउंट ड्यू बनता है समर भाई साहब का आपसे, ठीक है। तो जितना अमाउंट उसका ड्यू बनता है, ठीक है, जितना भी अमाउंट उसका आपके लिए ड्यू बनता है, आप क्या करेंगे उस अमाउंट को आप उसकी पेमेंट कर देंगे। तो सब टोटल एम टू 4840 14040। अब जिस अब भाई सीधी सी बात है, इतना उसका हक बनता है तो उतना आपको पे करना ही पड़ेगा, तो भाई उतना पे कर दिया गया। अब बेटा क्या हो जाएगा, जितना आपको पे कर दिया गया आप अपनी बुक में एंट्री कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद सम्राट। अब सेम चीज से आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट सम्राट के साथ जो लेजर अगर मैं बनाऊंगा तो आपका एकदम सब कुछ क्लियर आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर में 40 भाई जितनी जनरल एंट्रियाँ पीछे करी थी, एक परचेज की 3200 की थी, एक आपकी वेजेस आपने पे करी थी 4000 रुपए की, वो प्लस आपको एक प्रॉफिट का फिगर मिला था, ठीक है, दैट प्रॉफिट फिगर इज 6840। इसका पूरा बैलेंस और कोई एंट्री नहीं थी, इसका पूरा बैलेंस अगर आप निकालेंगे तो यही बैलेंस आएगा जो पेबल है। अब इनके पास क्या हो जाएगा, भाई इनको सेल का हक था तो इनके पास तो पैसे पड़े हुए होंगे, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट इनसे ऊपर ड्यू हुआ है ना बेटा, इसका पेमेंट यही बंदा करेगा। कौन ये बंदा है, ये बंदा अपना सम्राट, क्योंकि सेल का हक इसके पास था, पैसे तो इसके पास आके जमा हुए हैं। तो बस सेलिंग एक्सपेंसेस 2400 वेजेस जो उसने पे किया और सेल करी 26000 रुपए की और टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना, तो भाई इतना अमाउंट तो आपका ड्यू बनता है ज्वाइंट वेंचर से, लेकिन इतना ज्वाइंट वेंचर को आपको देना है क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का काम ही सेल का है। तो भाई ये टोटल आपका खर्चा हो गया, ये इसमें से हटा दीजिए, तो मैं कहूँ इतना आपको देना हुआ है, आप माइनस करिएगा तो भाई माइनस में 26000, ये तो पूरा पूरा ज्वाइंट वेंचर पे करना, और ये सेम वही अमाउंट है जिस बंदे के अकाउंट का ड्यू था। तो भाई इसका मतलब कुल मिला के हमारे सम्राट जी पेमेंट करेंगे उठा के किसको, समर को। सेम इनके बुक में भी वही एंट्री 1440 से एंट्री हो गई और वो अकाउंट इनका वापस बैलेंस फिगर में आ गया। अब जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, ठीक है, स्टार्टिंग वाला तो अच्छा है, 11th क्वेश्चन। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 और 11 दो क्वेश्चन है जो अच्छे हैं। देखिए जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो लगभग सेम ही है, तो अगर आप 11th नंबर लगा लेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं 10 11 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 10 में मैंने स्टेटमेंट ऑफ वेंचर बनाया है रादर देन एक लेजर बनाने के मेमोरेंडम का। ओके,
तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा देखने लायक है कि भाई ये किस तरीके से होगा कि आपका मेन जो काम है ठीक है वो किस तरीके से चलने वाला। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डी ऑफ दिल्ली एंड एम ऑफ मुंबई, ठीक है, डी ऑफ दिल्ली एंड एम ऑफ मुंबई एंटर इन टू अ जॉइंट वेंचर फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स, ठीक है, सेकेंड हैंड कंप्यूटर सेल परचेज के लिए हम आए, एम टू मेक परचेज एंड डी टू इफेक्ट द सेल, यानी एम आपका परचेज करेगा एंड डी आपका सेल कराएगा, बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर शेयर इक्वली बाई डी एन एम, डी और एम इक्वल लॉसेस शेयर करेंगे। अब ए सम ऑफ 150,000 वॉज रेमिटेड बाई डी टू एम टूवर्ड्स द वेंचर, अब मतलब सम ऑफ रुपीज 150,000 वॉज रेमिटेड बाई डी, डी ने भेजा है, डी कौन है आपका जो बेच रहा है, ठीक है, तो बेच रहा है तो मतलब पैसे उसी के पास होंगे, तो वो पैसे भेज रहा है किसको, क्योंकि उसको आगे जाके परचेज भी करने होंगे ना एम को, तो इसीलिए उसको 1,50,000 रुपये का अमाउंट भेज रहा है। नाउ व्हाट, एम परचेज करता है 22 कंप्यूटर 1,50,000 रुपये के लिए और पे करता है 90,000 फॉर देयर रिकंडीशनिंग एंड सेंड इट टू दिल्ली। अब वो क्या करता है, 22 कंप्यूटर परचेज करता है उस पैसे से 1,50,000 रुपये से, और 90,000 रुपये अपनी जेब से लगाता है ताकि उसको रिकंडीशन करके अच्छी पोजिशन में ले आए और फिर दिल्ली भेज देता है। अब उसके जो अदर एक्सपेंसेस लगे, मतलब खरीद, भाई सीधी सी बात है, मैंने कोई एक एजेंट लगा रखा होगा जो उन सारी ये चीज़ को फाइंड करेगा, भाई 10,000 रुपये उसको दिए, कार्टेज का, ढुलाई का खर्चा, मिसलेनियस खर्चा 1,000 रुपये 2,000 रुपये, ये किसने पे किया, एम ने, जो कि परचेज कर रहा है। नाउ बेटा डी टुक डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर 2,700 एंड पेड 2,700 एज ऑक्ट्री 1,000 एज कार्टेज, ई सोल्ड 12 कंप्यूटर। अब डी ने अपनी जेब से खर्चा 2,700 और 1,000 रुपये का किया, ई सोल्ड 12 कंप्यूटर एट 22,000 ईच, अब उसने 12 कंप्यूटर भेज दिया 22,000 ईच के, हम तो लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 कंप्यूटर भेजे 21,000 रुपये के, 3 कंप्यूटर भेजे 20,000 रुपये के, यानी इतनी तो हो गई आपकी सेल प्राइस। एंड ही रिटेन द रिमेनिंग कंप्यूटर, रिमेनिंग कंप्यूटर उसने रिटेन कर दिए फॉर द पर्सनल यूज, अपने खुद के कुछ, उसका भाई कोई अपना बिजनेस रहा होगा, हो सकता है साइबर कैफे वगैरह चलाता हो, तो उसने कहा बाकी कंप्यूटर मैं खुद ही खरीद लेता हूँ लेकिन मैं एक फिक्स प्राइस पे खरीदूंगा, दैट इज 15,000 रुपए। हिज ऑफिस एक्सपेंसिस एंड इंश्योरेंस वर फॉलोइंग दिस मच अमाउंट 2,500 और 4,000 रुपए, ब्रोकरेज 12,000 रुपए एंड मिसलेनियस खर्चा 2,000 रुपए हो गए। अब भाई हमें क्या करना है, हमें मेंटेन करना है पार्टी लेजर अकाउंट, रिकॉर्ड द ओन ट्रांजेक्शन इन दी अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर प्रिपेयर। देखिए अब यहाँ पे ऐसा नहीं मैं अपने मन से बना रहा हूँ, उसने बोल रखा हुआ है कि आपको स्टेटमेंट बनाना है फॉर शोइंग द रिजल्ट ऑफ वेंचर एंड द अकाउंट ऑफ द वेंचर डीज लेजर एज दिस इज फाइनली प्रिपेयर एंड अज्यूमिंग दैट मैटर इज फाइनली सेटल्ड बिटवीन द पार्टी। ध्यान इस चीज़ का आपको देना है बेटा कि क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का आएगा, थोड़ा अलग टाइप का, ईजी होगा लेकिन पढ़ने में अगर ये क्वेश्चन मैं एक लुक में देखूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो आपके पेपर में अगर आएगा तो भाई अच्छा खासा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, कुल मिलाकर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब होता है जो मेमोरेंडम में काम होता है वही यहाँ काम है, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का है, जितने खर्चे हैं सब माइनस कर दो, जितनी इनकम हुई सारी है। तो बेटा 12 कंप्यूटर यहाँ ऊपर अपने कैलकुलेशन देख चुके हैं, 12 कंप्यूटर 22,000 रुपए के, 4 कंप्यूटर 21,000 रुपए के, 3 कंप्यूटर आपके 20,000 रुपए के, और बाकी डी ने 15,000 रुपए में ले लिए। तो मैं टोटल अगर कैलकुलेशन करूँ रिमेनिंग अमाउंट की, तो भाई 12, 4, 16, 16, 3, 19, और कितने अपने पास आए थे टोटल 22, तो बचे हुए 3 जो आपके थे, ठीक है, आपके टोटल बचे हुए कितने हो गए आपके, ये चीज़ है, मैंने एक पॉइंट ये मिस आउट कर दिया था, ये 15,000 रुपये में पूरे 3 कंप्यूटर बचे हुए हैं लेकिन इसने पूरे पूरे 15,000 रुपये में खरीदे हुए हैं। ही रिटेन फॉर इस पर्सनल यूज एट एग्रीड वैल्यू 15,000 रुपये, 15,000 ईच नहीं लिखा, मैं ईच समझ रहा था, मतलब भाई 3 कंप्यूटर पूरे पूरे आपके 15,000 रुपए के, दैट अमाउंट केम्स टू 423। देन वॉट, भाई जितना आपने पेमेंट करी सारे खर्चे रिकग्नाइज करा दो, सारे खर्चे आप बुक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन पूरा पॉज करके, एंड पेड परचेजेस 1,50,000, सारे खर्चे उसने उठा के लाइन से लिख दिए, जितने भी खर्चे हुए थे चाहे वो किसी ने भी किए हो, डजेंट मैटर, ठीक है, जिसने भी खर्चे किए होंगे अपने को तो सारे खर्चे रिकॉर्ड करने से मतलब है, ठीक है, सारे सारे खर्चे पूरे पूरे इन्होंने रिकॉर्ड कर दिए। देन रिमेनिंग जो बैलेंस बचा दैट विल बी योर प्रॉफिट। अब मैं मेमोरेंडम ना बनाने की जगह सीधा स्टेटमेंट बना दे रहा हूँ, मतलब अपने को प्रॉफिट मिल गया 1,45,000 रुपये, तो भाई 1,45,800 रुपये तो हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब बात कर देते हैं कि जो अल्टीमेटली रेमिटेंस होना है वो कैसे होगा, तो भाई बुक्स जो है इन द बुक्स ऑफ डी काम चल रहा है और जॉइंट वेंचर अकाउंट है विद द बी, ठीक है, डी के खातों में मैं काम कर रहा हूँ, और सीधी सी बात है भाई डी की खातों में काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डी सेल कर रहा है, अल्टीमेटली पैसा उसी के पास है तो मैं उसी की बुक्स में मान रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। और इन्होंने क्वेश्चन में भी दे रखा हुआ है कि डी के लेजर में ही बनाना है, तो ये चीज़ भी वाइबल होगी कि भाई डी के लेजर में ही काम चलना है। आ जाइए अब देखते हैं जरा क्या है इसका मतलब, भाई क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जितनी सेल प्रोसीड है वो एक, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस वाला फील लीजिए, ठीक है नहीं एक्चुअली प्रॉफिट लॉस, लेकिन सेल आपकी हुई तो भाई 4,08,000 रुपये जॉइंट वेंचर के खाते में चला गया। देन
जो भी आपका रेमिटेंस हुआ है कैश का, ठीक है, 1,50,000 रुपये वो खर्चा था, अपनी जेब से पिक किया, जितने खर्चे बाकी किए वो रिकॉर्ड कर लीजिए। देन आपका क्या हो गया, अब भाई बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूँ तो रेशियो जो होगा वो कैसे डिसाइड होगा, भाई हाफ ऑफ द प्रॉफिट तो उसका खुद का शेयर है, तो 1,45,800 का अगर आप हाफ करेंगे तो लमसम इतना ही आ रहा है, दैट अमाउंट 72,900। ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ओके, अब आपका क्या है कि भाई ये अकाउंट जो हो गया सेल वाला सारा काम हो गया, प्रॉफिट 72,900 ही आ रहा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये 15,000 रुपये की ड्रॉइंग्स इन्होंने कर रखी थी, सेल हुई नहीं पर 15,000 रुपये पे कर दी, कोई बात नहीं मैं सेल की तरह मानूंगा उसको, मैंने 15,000 रुपये वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। द रिमेनिंग कैश बैलेंस विल बी रेमिटेड, किसको, हमारे बी को, जिसका भी पैसा ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन भाई, कितना, डेबिट ऑफ मुंबई एंड खोसला ऑफ दिल्ली एंटर्ड इन टू अ ज्वाइंट वेंचर फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, अब लेकिन बस ये फिगर थोड़े चेंज होंगे। क्या हुआ कि भाई मैंने 1,50,000 रुपये रेमिट किए, किसने, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेबिट मेक करेंगे परचेजेस एंड खोसला विल बी रिफ्लेक्टिंग द सेल्स। अब इसके बाद क्या है भाई, परचेज जो भी आपकी हुई है, 5 कार परचेज की, 1,50,000 रुपये रेमिट किए हैं खोसला ने, किसको, डेबिट को टुवर्ड्स वेंचर, तो खोसला ने रेमिट किए हैं पैसे 1,50,000 रुपये, क्योंकि खोसला का काम क्या है सेल का, तो वही पैसे रेमिट करेगा 1,50,000 रुपये। अब डेबिट ने 5 कारें परचेज करी 1,60,000 रुपये, कुछ उनकी रिकंडीशनिंग में खर्चा है दैट इज 60,000 रुपये, बाकी उनके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा है 5,000 रुपये टू द कार्स। ठीक है, टोटल खर्चा आप जोड़ना है, इसके सारे खर्चे ही आएंगे वहीं पे। उसके बाद खोसला ने सोल्ड करी 4 कारें इतने 2,40,000 रुपये की, एंड द फिफ्थ कार वो खुद ले गया 50,000 रुपये में, इज एक्सपेंसेस ऑफ इंश्योरेंस दिस मच, इतना है। अब हमें पार्टीज का लेजर अकाउंट कंटेन करना है, रिकॉर्ड ऑफ ज्वाइंट वेंचर। तो बेटा अब इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं, पहले ज़रा देख लेते हैं और क्या क्या बोला इन्होंने। इन्होंने कहा भैया हमें प्रिपेयर करना है क्या, एक मेमोरेंडम ज्वाइंट, अब साफ इन्होंने बोल दिया, अभी स्टेटमेंट वाला बोला था तो बड़ा ईजी था, अब ईजी मतलब ये भी है, इसमें बस डेबिट क्रेडिट का खेल है और कुछ खास नहीं है, पर यहाँ पे मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, और ये हमें विथ क्या बनाना है, द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विथ डेबिट इन द बुक्स ऑफ खोसला, खोसला की बुक्स में अकाउंट बन रहा है। तो बेटा अगर मैं सबसे पहले बात करूं नॉर्मल एंट्रीज की, तो भाई मेमोरेंडम अकाउंट बनना चाहिए, ठीक है, आप दोनों अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट अगर मैं खोसला का अकाउंट बनाऊँ, बुक्स ऑफ खोसला ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विथ डेबिट, तो भाई जितने की सेल करी है वो अमाउंट पूरा, ये पूरा वही चल रहा है पर्सनल जो ले लिया हो 50,000 रुपये, बाकी जितना भी खर्चा हुआ वो सारे एक साथ रिकॉर्ड हो गए, दिक्कत आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके लिए मैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हुए, अब ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह चलता है, ठीक है, ऊपर वाला भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही है। तो भाई सेल कितनी होगी, 2,40,000, पर्सनल कार 50,000 रुपये, बाकी सारे खर्चे देख लिए, ठीक है, हमारा अब यहाँ पे खर्चे दोनों के आएंगे, एक का नहीं आएगा, ठीक है, पर यहाँ तुम्हारा ये वाला खर्चा हो गया कितना, अब इससे रेशियो बांट दिया दोनों का, जो कुछ नहीं लिखा तो इक्वली रेशियो मानेंगे 29,800, और फाइनली आपका वही प्रॉफिट इसमें सेटलमेंट में चला गया 29,800, जिसकी बुक्स हैं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देगा, और जिसकी बुक्स नहीं है उसको बैंक सेटलमेंट के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो बस ये था आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, आई होप सो आपको क्लियर होगा। मैंने एक चीज बताना भूल गया था, समरी जरूर पढ़िएगा, ठीक है, इसकी भी और कंसाइनमेंट की मैंने समरी उस क्लास में बोलना भूल गया था, मैंने बहुत अच्छे से समरी पढ़ी थी, मुझे पूरा पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो गया था। आई प्रेफर यू दैट पेज नंबर 6.65 इन द कंसाइनमेंट, आप ये पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू क्लास, अब आपका फाइनली ज्वाइंट वेंचर भी खत्म हो गया है, लास्ट टॉपिक आपका रॉयल्टी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा।